नमस्कार जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा झारखंड में। झारखंड में नई सरकार की गठन होने वाला है। आपको बताते चले कि यहाँ पे हेमंत सोरेन पुनः जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। 28 नवंबर को मोरहाबादी के रांची में जो मैदान है भाई, वहीं पे ये शपथ ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर खास होने वाला है कि आगामी जितने भी एग्जाम पेंडिंग पड़े हो या आगामी आने वाले एग्जाम है, उसको लेकर इस सरकार का क्या रवैया रहेगा। यहाँ पे विद्यार्थियों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि क्या क्या वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, आज ही का प्रभात खबर का पेपर में एक आर्टिकल जो है कहीं ना कहीं पब्लिश किया गया है, जो खास करके जेपीएससी से जुड़ा हुआ है। जेपीएससी में जो भी लंबित नियुक्तियां हैं उनकी प्रक्रिया को जल्द पूरी किया जाए, उसको लेकर एक बात कही गई है। और यहाँ पे सरकार पे प्रेशर भी होना चाहिए कि भाई यहाँ ने युवा वर्ग ने और झारखंड के लोगों ने पुनः जो है हेमंत सोरेन की सरकार को लाया है, तो हेमंत सोरेन को भी सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे युवा वर्ग जब उनको वोट किए हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं उनकी मांगों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और अपने राज्य में जो है सरकारी नौकरी का जो है यहाँ पर ढेर सारी जो है वैकेंसी देनी चाहिए। तो उसी क्रम में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि जेपीएससी में लंबित 1700 नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात किया जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि 11वीं सिविल सेवा, जो आपका 11वीं जो है सिविल सेवा, जिसमें लगभग 342 पद थे। सीडीपीओ की अगर बात करें 64 पदों को लेकर, और सिविल जज जूनियर जो कि 138, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हो, फॉरेस्ट असिस्टेंट रेंज ऑफिसर, या जो है आपका वीवी अधिकारी हो, फूड एनालिस्ट, ये सब कहीं ना कहीं लंबित महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। हमारा उम्मीद है कि ये इस पर सरकार विशेष तौर पर ध्यान देगी, और एक नया जब सरकार बनी है तो नई उम्मीद के साथ और युवाओं को साथ में लेकर चलना होगा, तभी जो है ये कारवां जो है चार चांद लगेंगे। कि यह है कि कहा गया ना, किसी भी राज्य में किसी भी राष्ट्र में अगर देखा जाए तो युवा का जो है सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है। तो नई सरकार से बच्चों का बहुत सारा उम्मीद है। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आना बाकी है, जो जल्द से जल्द सरकार को भी चाहिए भाई कि यहाँ पे जेपीएससी को बोले कि नहीं भाई, जो भी लंबित मुद्दा है उसको जल्द से जल्द जो है सुचारू रूप से चलाए। इसके अलावा जेपीएससी में वर्तमान में जो अध्यक्ष का पद है रिक्त पड़ा है, वो भी जेपीएससी का एक अच्छा सा जो है कहीं कहीं अधिकारी जो कहीं ना कहीं युवा वर्ग को लेकर चले। और राज्य में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार आ गई है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे आपको जीआरएफ वगैरह जो होना है, जीआरएफ हो या आपको जेटेट का एग्जाम होना है, और झारखंड एसएससी को लेकर क्या रवैया रहता है यहाँ पे आयोग का, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ जो है करना पड़ेगा सरकार को। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण एक सूचना थी आप लोगों के लिए कि ये आज ही का पब्लिश किया गया है, और जहां पे बताया गया है कि सरकार जो भी लंबित प्रक्रियाएं हैं उसको आगे लेकर चलेगी। और मेरा कहना है कि भाई झारखंड में एक बहुत बड़ा बहाली दीजिए, जिसमें झारखंड दरोगा हो, झारखंड पुलिस का हो, झारखंड एसएससी का सचिवालय का जो जॉब आता है, या जेपीएससी में एक बहुत बड़ा पद आना चाहिए, ताकि युवा वर्ग जो कहीं लंबे अंतराल से कहीं ना कहीं इस चीज को इंतजार कर रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि युवा वर्ग ही आपको चुनकर भेजा भाई, तो आपको भी चाहिए कि उनकी आवाज बने। तो मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि युवा वर्ग को जो है यहाँ पे जितने भी वैकेंसी जो पेंडिंग पड़े हैं उसको जो है जल्द से जल्द एग्जाम भी, जैसे फील्ड वर्कर का जो है एग्जाम को लेकर हो, या आपको झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम होना बाकी है तो उसको भी जल्द से जल्द करा लिया जाए। और आगामी बहाली भी जल्द से जल्द, नया साल आने वाला है तो नया साल में नई उम्मीद के साथ जो है कहीं ना कहीं अपनी सरकार को कहीं ना कहीं शुरुआत करिए। और हम ये सुनना चाहते हैं कि भाई पहली कैबिनेट में झारखंड सरकार क्या करना चाह रही है, शिक्षा को लेकर उनका क्या रवैया रहने वाला है। तो ये अभी तक का महत्वपूर्ण सूचना है, और इसी तरह की जो भी सूचनाएं आएंगे आपके समक्ष में लेकर आता रहूंगा। छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आप लोग को बहुत सारी जानकारियां मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।